नमस्कार। आज एक गंभीर विषय की चर्चा लेकर आपके सामने हूं। चर्चा यह है कि अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तब भी और छात्र का अभिभावक हैं उन्हें भी, दोनों को इस जानकारी से अवगत हो जाना निश्चित रूप से जरूरी है। आज जो विषय है वह सख्ते में डालने वाला है। कॉलेज का वेबसाइट जब आप किसी खोलते हैं किसी कॉलेज का, तो आप उस कॉलेज के बारे में जानकारी से अवगत होना चाहते हैं, साथ ही नामांकन की जानकारी, फॉर्म भरने की जानकारी, कई तरह की जानकारी से अवगत होना चाहते हैं आप। लेकिन जब आप किसी कॉलेज की वेबसाइट को आप खोलेंगे तो वहाँ आपको कॉलेज की जानकारी नहीं, उसके बारे में सारी विस्तृत बात नहीं, बल्कि आपको पूर्ण वीडियो और पूर्ण तस्वीरें नजर आएंगी। पूर्ण वीडियो और तस्वीर क्या है बताने की शायद मुझे जरूरत नहीं है, आप बखूबी समझ रहे हैं। तो यह बात कहीं और नहीं, कहीं सुदूर बाहर किसी प्रदेशों में नहीं, कहीं किसी और देश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं बात कर रहा हूं अपने झारखंड के गढ़वा जिले मुख्यालय में। एक कॉलेज है नामधारी कॉलेज। नामधारी कॉलेज के वेबसाइट को अगर आप खोलेंगे तो वहां आपको नामधारी कॉलेज के बारे में जानकारी नहीं, बल्कि आपकी आपको पूर्ण तस्वीरें और वीडियो नजर आएंगी। आप खबरों में ही पढ़े होंगे, अभी मैं कुछ देर पहले ही बिंदास न्यूज के वेबसाइट पर खबर अपलोड किया हूं कि हे भगवान, इस कॉलेज के वेबसाइट पर पोर्न वीडियो, ऐसा करके हेडिंग है, उसे आप पढ़े होंगे। निश्चित रूप से आप जानकारी से वाकिफ हो गए होंगे, लेकिन आप सोचिए, निश्चित रूप में यह जानकारी सख्ते में डालने वाली है कि आखिर कॉलेज के वेबसाइट पर पोर्न वीडियो कैसे। इस बाबत कॉलेज के प्रचार से भी बात हुई, उनका कहना है कि वेबसाइट हैक हो गया है। आज दिन में उन्हें जानकारी हुई है। पहले मैं आपको बताता हूं कि आज छात्रों ने कॉलेज की जानकारी, अपने फॉर्म भरने या कुछ की जानकारी के लिए जो वेबसाइट खोला गया छात्रों द्वारा, तो उन्हें वहां पर उसकी जानकारी नहीं थी, बल्कि पूर्ण वीडियो और तस्वीरें अपलोड थी उस पर। तो आप समझ सकते हैं कैसे छात्र हतप्रभ होंगे, वो आश्चर्यचकित हुए। उनके द्वारा फौरन कॉलेज प्रबंधन को जानकारी दी गई, कॉलेज प्रबंधन भी सख्ते में आ गया। आखिर ऐसा कैसे, जानकारी ली गई तो जानकारी हुआ कि वेबसाइट कॉलेज का हैक हो गया है। प्रचार का कहना है कि यूनिवर्सिटी से हमारी बात हो रही है, 24 घंटे के अंदर इसमें सुधार कर लिया जाएगा, इसे पूरी तरह से ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन ठीक तो हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन यह लापरवाही को परिभाषित कर रहा है। कॉलेज का वेबसाइट है, विद्या का मंदिर है, वहाँ का वेबसाइट हैक हो रहा है, और हैक होने के बाद उसमें कुछ और जानकारी नहीं बल्कि पूर्ण वीडियो और तस्वीरें चल रही। तो यार, निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे कि कितनी कितनी बड़ी बात है, कितनी सख्ते में डालने वाली बात है। इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए सूरत पांडे डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर उमेश सहाय जी मौजूद हैं। कॉलेज का कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट में कॉलेज की जानकारी नहीं बल्कि पूर्ण वीडियो और तस्वीरें दिख रही हैं, क्या महाविद्यालय विद्या का मंदिर होता है, और किसी भी महाविद्यालय का वेबसाइट का हैक होना बहुत ही निंदनीय है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस तरह के हैकर को जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए, और ऐसा न हो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि चूंकि पहले भी हम लोग देखे हैं कि एम्स का उसका भी वेबसाइट हैक हो गया था, रेलवे का भी वेबसाइट हैक हो गया था। तो हैंकर जो है सो अब देखिए, महाविश्वविद्यालय का वेबसाइट जो है सो हैक हो गया है, महाविद्यालय का वेबसाइट हैक हो गया है। यह बहुत ही निंदनीय विषय है, और मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन यथाशीघ्र हैंकर को कड़ी से कड़ी सजा दे, और विश्वविद्यालय अपने वेबसाइट को, महाविद्यालय के वेबसाइट को जितना जल्द हो सके उसको जो है सो हैंकर से दूर करें। तो नामधारी कॉलेज का वेबसाइट हैक हुआ है, अपने यहाँ और कॉलेज हैं जैसे आपका कॉलेज हुआ सूरत पांडे डिग्री कॉलेज, वहाँ भी ऐसा न हो इसके लिए तत्पर होना होगा निश्चित रूप से। देखिए, हैंकर जो है सो कैसे हो रहा है, या तो जो 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 इस मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको इसको विशेष जानकारी होगी, लेकिन कभी कभी आप भी देखते होंगे कि आपका जो है सो हैंग हो जाता है, आपका फेसबुक हैंग हो जाता है, और उस पर जो है सो कई तरह के डिमांड भी होने लगते हैं। तो
तो यह जो है सो बहुत ही समाज के लिए चिंतनीय विषय है, निंदनीय विषय है, और हम लोग को चाहिए कि यह न हो इसके लिए जिला प्रशासन, क्योंकि यह किसी विश्वविद्यालय के बस की बात नहीं है, यह जो है सो प्रशासन और जो जो वेबसाइट के जो इसके हैं उनके अंदर की चीज है, तो यह न हो इस तरह का, उनको इस पर विशेष प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, हैकर हैक कर लेते हैं, फेसबुक अकाउंट हैक होता है, व्हाट्सएप ग्रुप हैक होता है, आपका व्हाट्सएप हैक होता है, और तो इस तरह से, लेकिन कॉलेज का वेबसाइट हैक हो गया निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है, ऐसा इस पर तत्पर रहना होगा, और कुछ भी जो भी कॉलेज हैं उन्हें भी इस पर ध्यान देना होगा। जैसा कि हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर उमेश शाह, जिनका भी कहना है कि हम लोग निश्चित रूप से तत्पर हैं, ऐसा न हो, लेकिन हैकर हैक कर लेते हैं, सही बात है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी का फेसबुक नहीं, किसी का व्हाट्सएप नहीं, किसी का और कुछ हैक नहीं किए हैं, बल्कि विद्या का मंदिर कॉलेज के वेबसाइट को हैक किए हैं, जहां पर हजारों छात्र और छात्राएं पढ़ा करते हैं और कॉलेज की जानकारी देना चाहते हैं, वहां पर ऐसे आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो अपलोड करना निश्चित रूप से गलत और बहुत ही शर्मनाक है। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह प्रचार ने आश्वस्त किया है कि 24 घंटे के अंदर इसमें सुधार कर लिया जाएगा, सुधार हो जाए, यही हम भी चाहेंगे, हर कोई चाहेगा, चाहे वो छात्र हो या अभिभावक हो। धन्यवाद।